हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे थम्स अप करना, और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की क्विक रेसिपी। तो मेरी आज की रेसिपी है चीज स्वीट कॉर्न पालक सैंडविच। तो आप इसे सुबह के नाश्ते के साथ या शाम की चाय के साथ कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये बाहर से बहुत ही ज्यादा कुरकुरी होती है और अंदर से बहुत ही ज्यादा चीजी होती है। तो गर्मी में आप बहुत परेशान हो चुके हैं और किचन में जल्दी से कुछ नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो आप ये सैंडविच एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप ले लें 250 ग्राम पालक और 1 कप स्वीट कॉर्न। अगर आपने जो पालक लिया है वो काफी बड़े पत्तों का है तो आप उसे बारीक काट लें। तो पालक को हम पहले उबालेंगे। तो बड़े बर्तन में आप पानी ले लें, गैस को आप मीडियम फ्लेम में रखें और उसमें सारे पालक डाल दें। पालक को सिर्फ हमें एक उबाल आने तक ही पकाना है, इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। तो पालक में जब एक उबाल आ जाए आप उसे इमीडिएटली ठंडे पानी में डाल दें, ताकि जो पालक है वो ओवर कुकिंग होना उसका स्टॉप हो जाए। और ऐसा करने का एक और फायदा है कि ये जो पालक का हरा रंग है ये बहुत ही अच्छे से रहेगा। और ऐसे ही सारी रेसिपी आपको टिप्स और सीक्रेट के साथ मिलते रहे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पैन को रखा है मैंने एकदम लो फ्लेम में और उसमें डाला है 2 बड़े चम्मच बटर के, और उसके साथ ही मैंने डाल दिया है 2 से 3 लहसुन की कलियां, जिसे मैंने बहुत ही फाइन चॉप किया हुआ है, बारीक काटा हुआ है। तो लहसुन डालने के बाद आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं, और जब लहसुन ब्राउन हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच मैदा। तो यहाँ मैदा को पहले हमें अच्छे से भूनना है, तो गैस का फ्लेम आप लो कर दें ताकि मैदा इसमें जले ना। और आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब जो मैदा है वो बहुत ही अच्छे से पक रहा है। तो मैदा को यहाँ पकाना बहुत ही जरूरी है ताकि सैंडविच में उसका कच्चा टेस्ट ना आए। तो ये करने में आपको करीबन 1/2 मिनट या 1 मिनट ही लगेगा। तो मैदा भूनने के बाद आप उसमें डाल दीजिए स्वीट कॉर्न। ये सैंडविच बनाने में बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगता है और बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही झटपट बनकर ये रेडी हो जाती है। तो मेरे घर में हफ्ते में एक बार तो ये सैंडविच जरूर बनती है। तो कॉर्न को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और आपके स्वाद के अनुसार इसमें डाल दीजिए आप नमक। और बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है कॉर्न के साथ, और उसके बाद आप डाल दीजिए जो पालक हमने रखा था उसमें से आप पानी अलग कर लें, उसे छान लें, और उसके बाद आप उसे कॉर्न में मिक्स कर लें। तो कॉर्न और पालक हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसके बाद हमें इसमें डालना है 1 कप दूध। तो दूध डालते वक्त आप एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि आप इसमें गर्म दूध डालें या फिर जो दूध हम उबाल के ठंडा कर चुके हैं वो दूध इसमें डालें। आप इसमें फ्रिज से निकाल कर कच्चा दूध बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूध डालने के बाद वो फट जाता है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। तो पालक और कॉर्न को अच्छे से दूध के साथ पकाना है। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छा सा गाढ़ा ना हो जाए, और ये देखिए ये अच्छा गाढ़ा हो चुका है। आप अगर चाहे तो यहाँ पर मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं। तो गैस को करिए आप बंद, और लीजिए आप 2 ब्रेड। यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड यूज किया है, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो पालक और कॉर्न का मिक्स यहाँ आप ब्रेड में अच्छे से लगा लें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। और उसके बाद मैंने इसमें रख दिया है 1 चीज स्लाइस, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो हमें सैंडविच बाहर से क्रिस्पी बहुत ही पसंद है, तो उसके लिए आप इसमें लगा दें मेल्टेड बटर या घी। मैंने यहाँ पर घी यूज किया है, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। और तवे को रखें आप मीडियम फ्लेम में, और उसमें डाल दें 1 चम्मच बटर या घी। और अब सैंडविच को हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है, ताकि जो अंदर का चीज है वो भी इसमें मेल्ट हो जाए। तो एक साइड सेकने के बाद आप इसे पलट लें, और दूसरी साइड से भी आप इसे कुरकुरा होने तक अच्छे से सेक लें। और चीज कॉर्न और पालक सैंडविच बनकर हो चुका है रेडी। तो देरी क्यों करना, चलिए जल्दी से इसे कट कर खाते हैं। और ये देखिए बाहर से जो बटर या घी आप लगाएंगे इसमें, उसकी वजह से ये कितना अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है, और मुझसे तो बिल्कुल रुका ही नहीं जा रहा है इसे खाने के लिए।
बिल्कुल आपके ब्रेकफास्ट मेनू में एक और आइटम ऐड जरूर हो जाएगा ये खाने के बाद। तो आप इसे जरूर बना के देखिए। खाने में ये जितना टेस्टी है उतना ही ये हेल्दी भी है। तो आप इसे टमाटो सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।